मिलने वाली और अगर स्टूडेंस लर्नर्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हिट दिन चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो लेसन नंबर में चेंजिंग सिंगुलर टू प्यूरल ओके कैसे हमको सिंगुलर नाउन को न्यूरल में कन्वर्ट करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स लर्नर्स स्टूडेंस लोनर्स एट रीड करते सिंगुलर मीन्स वन सिंगलर मीन्स जो एक नाउन होता है बस ओके ऑफ समथिंग वाइल प्युरल मीन्स मोर देन वन ऑफ समथिंग ओके देखो सिंगुलर यानी एक होता है प्युरल यानी एक से ज्यादा ठीक है अगर एक से ज्यादा तो प्युरल और उनको सिंगुलर से प्योरल बनाने के रूल्स होते हैं वही आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो प्लीज मेरे साथ बनी रहिएगा ओके स्टूडेंट से ना चलिए अब आगे बढ़ते हैं ओके पॉइंट वन में देखिए एडिंग एस जैसे हमने पहले प्रीवियस लेसन में हमने वर्ब्स के बारे में पढ़ा था उनकी भी अलग अलग रूल्स है रेगुलर रेगुलर वैसे भी इसमें भी है नाउन से प्यूरल बनाने में सॉरी oh, सिंगुलर से प्युरल बनाने में कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसे हमें फॉलो करना होता है सो प्लीज मेरे साथ बने रहिए और देखिए ओके सो पॉइंट वन में एडिंग एस रूल है एस लगाने के ठीक है चलिए डिस्कस करते हैं सम वर्ड्स कैन बी चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्युरल बाय एडिंग एस आफ्टर द वर्ड ओके कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हमें सिर्फ एस लगाना होता है एड करके खाली एस लगाने से ही वो प्योरल बन जाता है ठीक है एग्जाम्पल दिए गए देखिए आ कार लैम्प okay? अ डेस्क ठीक है इसमें सिर्फ हमें एस प्लस करना होता है ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए फोर कार्स ओके सिक्स लैम्प ओके

जो सिंगलर है यहाँ पे आई हैव अ कार अंडरलाइन है कार अंडरलाइन है ठीक है इसको हमें फिर से री राइट सेंटेंस लिखना है देन उसको प्युरल बनाना है कार को प्यूरल बनाना है और एंड सेकेंड में देखिए कप में अंडरलाइन है इसको हमें प्युरल यहाँ राइट डाउन करना है यहाँ पे प्यूरल में ठीक है प्लीज सर्व टी इन अ कप ओके अब हम मैं इसको बोल के बता देती हूँ आपको ओके आई हैव Cars, कार्स आई है प्लीज सर्व टी cups cups, cups, कब्स so, सो इसमें से ए हट जाएगा ए हट जाएगा इसमें से okay, students and learners, minus ए जब हम प्यूरल बना दे तो उसमें से ए हट जाता है ओके okay? चलिए अब सेकेंड पॉइंट पर आ जाते हैं सेकेंड रूल आइए Second रूल रूल एंड रेगुलेशन है हमेशा याद रखिएगा मैं कुछ एड ऑन करके आपको और सिखाऊंगी एक ही उसमें ठीक है ना चलिए रीड करते वर्ड्स एंड्स एंड एस एस एच एक्स सी एच जे और जेड कैन बी चेंज फ्रॉम सिंगलर टू प्योरल बाय एडिंग ई एस ओके इसमें बोला जा रहा है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें एस लास्ट में होता है जिसमें श साउंड होता है लास्ट में एक्स होता है लास्ट में सी एच होता है और जे और जेड होता है उनमें जो ना ई एस एड करके प्यूरल बनाया जाता है ठीक है स्टूडेंट एल ई ले? एस बना के ई एस बना के राइट डाउन किया जाता है जैसे बॉक्स है तो बॉक्सेस एग्जाम्पल पे दिया गया है ठीक है अ सैंडविच सैंडविचेस ई एस एड होगा ई एस एड होगा रिमेंबर दैट ओके आ डिश डिशेस डिशेज किस किसेस किसेस बस बसेज बसेस क्विज क्विजेस क्विजेस ईस एड ऑन करना है ठीक है जिनके लास्ट में एस एस एच एक्स सी एच जे एंड जेड रिमेंबर नोट डाउन कर लीजिएगा टू प्यूरल एंड री राइट द सेंटेंसेस ओके जो अंडरलाइन वर्ड है उनको री राइट करना है आपको ठीक है लेकिन टू प्यूरल सिंगलर टू प्योरल राइट सो gave me watches. Watches, watches. E S लगेगा E S. ओके आई हैव और हाँ, जब भी कोई हम एक singular यूज करते हैं, उससे पहले ए लगाते हैं ना आ यानी वो एक है सो so, जब भी हम plural बनाते हैं तो ए को हटा दिया जाएगा ठीक है क्योंकि फिर तो वो ए नहीं रहता एक से ज्यादा हो जाता है तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा ओके आई हैव विशेष

एंड देर इज अवल बिफोर वाय वर्ड ओके अगर आ, अगर वाई लास्ट में वाय है और वाई से पहले कोई भी वाव वाय से पहले वावल आती है मात्राएं जो होती है अगर वो पहले आती वाई से पहले तो सिर्फ आपको एस एड करना है ओके okay? अगर वाय कोई भी एक वर्ड है उसके लास्ट में वाय है और वाई से पहले वावल्स है तो सिर्फ आपको एस लगाना है प्योरल बनाते हुए स्टूडेंट लर्न रिमेम्बर नोट डाउन कर लीजिएगा ओके चलिए डे डे सेवन डेज सेवन टॉयज सेवन गाइज सेवन कीज ओनली एड एस जब लास्ट में वाई हो वाई से पहले वावल्स ओनली एड एस ओके रिमेम्बर दैट चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टूडेंट्स एंड ला चलिए पॉइंट फोर पे डिस्कस करते हैं। इफ द वर्ड एंड देयर इज अ अंसनेट बिफोर वाई चेंज वाई टू आई एंड एड ई एस ई एस ओके नोट डाउन जैसे हमने प्रीवियस लेसन में हमने डिस्कस किया था ना वर्ड से रिलेटेड उसी टाइप का है ओके okay, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स से लेना स्टूडेंट्स ने लेना हमेशा मैं बोलती हूँ प्रैक्टिस के थ्रू ही आपको याद रहेगा क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ के लिए कोई भी लर्निंग के लिए सो प्लीज़ हाफ एन आवर फिफ्टीन मिनट्स अन वन आवर प्लीज़ टेक अ टाइम प्लीज़ आप उसको प्रैक्टिस कीजिए तभी आएगा मैं है मेरा स्टूडेंट को सिखाने का क्या रीज़न था कि मैं जो मैं अचीव नहीं कर सकूं वो मैं और लोगों को वो चीज़ बता सकूं और वो उसको प्रैक्टिस कर सके ताकि उन आप लोगों की लर्निंग स्टॉप ना हो सके आपको राइट टाइम पे राइट एज पे आपको एक अच्छी एजुकेशन मिल सके इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मोटिव था ऑन अ यूट्यूब एफ से रिलेटेड अनिता मैम हमारी फैसिलिटेटर थी उन उनसे मैंने डिस्कस किया था बताया था कि हाँ और मैंने आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो मैंने ऑनलाइन जो हम ऑनलाइन लर्निंग कर रहे थे वो भी मैंने शेयर करी है सारे मैंने वीडियोस एफ के बारे में बनाए मेन पहला ओरिजिनल चैनल सिर्फ एफ का था स्टूडेंट से लर्नर फिर सेकंड चैनल मेरा था अगर आप सर्च करोगे तो मेरी वीडियो अब तो बहुत से नहीं बना लिया लेकिन स्टार्ट मैंने किया था आई डिस्कस विद अनिता मैम उनको पता था और स्टूडेंट को उन्हें अप्रिशिएट भी किया था उस टाइम पे पर लॉकडाउन लग गया था तो इसलिए थोड़ा फुल स्टॉप लग गया था मेरी लर्निंग लौ, सिखाने पे लेकिन उन्हें फिर से रिस्टार्ट किया क्यों ताकि मैं अपनी लर्निंग और स्टूडेंट्स की लर्निंग को ब्रेक नहीं करना चाहती थी ओके सो रिमेंबर ओके प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया कीजिए ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं ओके, सो चलिए कंसनेंट अगर वाई से पहले कंसनेंट है तो उसमें हमें ई लगाना सॉरी आई लगाना है देन ई एस लगाना है ओके okay? देखिए यहां पे एग्जाम्पल दिया गया है बॉडी ओके आ लॉट्स ऑफ बॉडीज आ कंट्री कंट्रीज आ स्टोरी सेवन स्टोरीज लेडी लॉर्ड्स ऑफ लेडीज सिटी लॉर्ड्स ऑफ सिटीज पार्टी आई लव पार्टीज ओके I ई एस एड करना है ओके okay? ये रूल है याद रखिएगा ओके चलिए पॉइंट फाइव पर आ जाता है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, टू चेंज वर्ड एंडिंग विद F और एफ ई इंटू प्यूरल ओके यूज नोट पैट टू राइट ओके फॉर सम वर्ड्स एड एस एस ओके कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में एफ होता है ओके okay. एफ के बाद आई होता है जैसे वाइफ लाइफ ओके होता है ना सो so, उनमें सिर्फ एस लगेगा एस लगेगा ओके आ बिलीव सम बिलीव आ रूफ सम सम जिराफ्स, ओके सिर्फ लास्ट में अगर एफ है और एफ के बाद ई है उन वर्ड में सिर्फ एस लगेगा प्यूरल बनाने में ओके okay?

हाफ्स हाफ्स देख लीजिए प्रैक्टिस ही से ही हम इम्प्रूव कर सकते स्टूडेंट्स ले रहे मुझे बहुत फेस करना पड़ता था क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती थी मुझसे ठीक है तो प्रैक्टिस ही जरूरी है प्लीज प्रैक्टिस कीजिए यू हैव अ लॉन आपको राइट टाइम पे अगर एजुकेशन मिल रही तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये टाइम फिर दोबारा नहीं आता है और right? चलिए देख लेते हैं नाइफ 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 में देख लीजिए नाइफ नाइफ में है एफ ई -E. तो हम यहाँ पे एफ ई -E दोनों को हटा के वी एड करेंगे देन वी के साथ ई एस ई एस वी के साथ ई एस ओके ऐसे प्यूरो होगा इसका लाइफ के साथ क्या होगा शेल्फ के साथ क्या होगा ई एस ईय इससे रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ और शेयर करूंगी अभी और ताकि आपको और uh, और इजिली समझा सकू मैं सिक्स भी देख लेते वन सिक्स में सम वर्ड्स फॉलो नो रूल्स ओके कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई रूल नहीं होता ओके okay? सोलर स्केट स्टार्ट जैसे कि यहां देख सकते हो सिंगलर टू मेक प्यल ओके सो ये तो कॉमन है देखिये कुछ वावल्स चेंज हो जाती है बस एज इट इज रहते हैं बस वावल्स चेंज हो जाती हैं इसमें बीच में जैसे मैन में मैन तो वावल्स हट रहा है ए से ए रिप्लेस करके ई e हो गए तब मैन हो गए अगर एक से ज्यादा तो मैन 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 ठीक है तो स्पेलिंग देख लीजिएगा आप वोमन व, वोमन मेरी प्रोनसिएशन थोड़ी गड़बड़ है मुझे हमेशा फेस करना पड़ता है स्टूडेंट सो तो प्लीज आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ठीक है फुट फुट फीड वावल्स खाली चेंज हो रही हैं ठीक है वावल्स ओनली वावल्स देखिए डबल ओ हटा के डबल ई लगा दिया फुट में फीट फीट चाइल्ड चाइल्ड चिल्ड्रन चिल्ड्रन इसमें आर ई एन एड हो गया चिल्ड्रन चिल्ड्रन ठीक है टूथ, टूथ, में, टीथ, टीथ, माउस में? माउस का माइस 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 सो यही आपको याद करने है प्रैक्टिस के थ्रू ठीक है तभी आप क्योंकि ये रूल्स हमें हम इसको रट्टा मार के, मार के के नहीं इसको समझ के स्पेलिंग समझ के राइट डाउन करके बोल के भी और डे टू डे लाइफ में यूज करके ही आप सीख सकते हो ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट uh, सेवन पे सम वर्ड्स रिमेन अनचेंज्ड इन देर प्यूरल फॉर्म ओके कुछ सिंगलर नाउन होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं वो एज इट इट सेम ही रहता है ठीक है स्टूडेंट लर्नर जैसे शीप थ्री शीप डियर थ्री डियर फिश थ्री फिश फिशेस भी होता है एक बार आप ये फैसिलिटीज़ से पूछ लीजिए फिश फिश का मे बी फिश भी बोलते हैं कुछ लोग क्या वो करेक्ट है या नहीं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा फिश का, okay? का एक बार पूछ लीजिएगा क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और राइट right. चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स चलिए प्योर नाम बिलो आर द रूल फॉर प्योरल नाम्स सो आपको एक ही में शो करने के लिए मैंने ये कुछ ऐड ऑन किया है आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी प्लीज़ इसको पोस्ट करके देख लीजिएगा ठीक है सो so, देखिए देखिए एस कैसे लगाना हमने अभी डिस्कस किया था देखिए बोट बोट्स कैट कैट्स ओके खाली एस एड हुआ है खाली ओके okay? जो हमने अभी रूल्स पढ़े और एट स्टूडेंटाना देन सेकंड देख लेते सेकंड है वाई Why? Okay. Baby, babies. Fairy, fairies. All right. Second. Bus, buses. Watch, watches. For example, boy, boys. Toy, toys. Leaf, leaves. एल्फ एल्फ टमैटो टमैटोज पटैटो potatoes, पटैटोज हाँ देखिए ये देखिए ये हमने अभी डिस्कस नहीं किया ये एक और है देखो टमैटो तो एज इट इज है बस इसमें ई एस लगा है देखिए राइट डाउन का ये रीड करते हैं ये हमारे उसमें नहीं था भी जब हमने पढ़ा इफ द नाउन एंड्स इन ओ

यहां से नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है देन माउस माइस टूथ टीथ डियर डियर एज इट इज रहेगा गूज गूज ओके कुछ चेंजेस नहीं है इसमें तो ये आपको शो करने के लिए था ताकि आपको इससे हेल्प मिले पॉज करके आप रीड कीजिए और पी डी की लिंक में शेयर करूंगी इससे रिलेटेड तो प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा अपनी लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए ओके चलिए अब आगे बढ़ते स्टूडेंट लर्नर singular एंड plural टू make. सो देखिए एक और टेबल है स्पेलिंग uh, आप चेकआउट कर लीजिए. पोज करके ठीक है देखिये टेबल tables. बुक बुक्स कार cars. बॉस बॉसेस बॉक्स बॉक्सेस वॉच वॉचेस वाच, बज buzzes. ब्रश, ब्रश ब्रशेस Potato, potatoes. सिर्फ आपको शो करने के लिए है ठीक है और भी पी की लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँ तो प्लीज चेकआउट जल्दी से कीजिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स मैंने आपके लिए ऑलरेडी टेबल क्रिएट करी है ताकि आपको हेल्प हो सके फिफ्टी परसेंट स्टूडेंट्स को पता होगा लेकिन जो फिफ्टी परसेंट स्टूडेंट्स को नहीं पता ये उनके लिए मैंने क्रिएट किया है ताकि उनको हेल्प हो सके ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर आई होप आपको ये यूजफुल लगेगा ठीक है पेन पेन पर्सन पीपल होम होम्स थर्टी थर्टीज फिश 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 ओके मैंने ऑनलाइन चेक किया था कहीं कहीं फ़िशेज़ भी होता है फ़िश के साथ ई एस जोड़ा जाता है और कहीं कहीं नहीं तो प्लीज़ ये फैसिलिटेडर के अकॉर्डिंग आप उनसे पूछ लीजिएगा ठीक है मैं ऑनलाइन के थ्रू बता रही हूँ जो मैंने ऑनलाइन सर्च किए हैं ठीक है फिश का आप एक बार फैसिलिटेटर से पूछ लीजिएगा ठीक है क्योंकि प्यूरल में फिश भी दिखा रहा है अन फिशेज भी दिखा रहा है तो फर्टिलेटर से एक बार आप डिस्कस कर लीजिएगा ठीक है ट्री का ट्रीज ब्रांच का ब्रांचेस वेमेन का वेमेन ओके मेन मेन का मेन मैंने आपको बताया था वो राइट डाउन नहीं किया है भूल गई हूं मैं ठीक है उसके लिए सॉरी फॉर दैट चाइल्ड का चिल्ड्रन ठीक है स्टूडेंट एंड आई होप आपको इससे हेल्प होगी ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स एंड लर्नर चलिए पॉइंट बी डिस्कस कर लेते हैं टू बी कंप्लीटेड आफ्टर योर मोक टेस्ट हैज बीन क्रिएटेड एंड यू हैव प्रिपेयर्ड एक्शन प्लान विद योर फैसिलिटेटर ओके फैसिलिटेटर के द्वारा आपका एक्शन uh, प्लान किया जाएगा जो कि आपको कंप्लीट करना है एफ के द्वारा वो हर फैसिलिटेटर के अकॉर्डिंग हो सकता है क्योंकि हर एक फैसिलिटेटर को सिखाने का तरीका डिफरेंट हो रहा है क्यों मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने अलग अलग ब्रांचेस देखी है मैंने विज़िट की है उसके अकॉर्डिंगली की फर्स्ट फहाड़गंज सेकेंड आपका लक्ष्मी नगर में मैंने विजिट करके आई थी मैंने अपने फ्रेंड के लिए उसको विजिट किया था ताकि वो सीख सके एंड बदरपुर क्योंकि मैं फाइंड कर रही थी तो मैंने अलग अलग ब्रांचेस विजिट किए थे सो so, उनका सिखाने का तरीका अलग अलग हो सकता है सो उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको आ, समझ सकते हो देन सेकेंड आपका आ जाता है माई स्मार्ट गोल तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको फ़िलअप किया आप अपने अकॉर्डिंगली इसको फिलअप कर सकते हो एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने फ़िलअप किया है ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर चलिए रीड कर लेते हैं by one year i will focus on my english skill okay because my uh, sorry because i am learning in fa that's why i will do this by the more practice and daily punctual in fa okay i will know i have achieved this when i will fluent विद इन एफ ई एंड आउटसाइड द एफ एज वेल ठीक है मैंने अपने लर्निंग इंग्लिश लर्निंग गोल से रिलेटेड डिस्कस किया है यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कॉलेज स्कूल वर्क प्लेस एनी इंस्टीट्यूट या एफ ए इंस्टीट्यूट भी हो सकता है आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हो ठीक है मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको शो करने की कोशिश करी स्टूडेंट सो so, आज कलेक्शन आपको कैसे लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में और अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा लाइक के बटन को प्लीज़ प्रेस कीजिएगा मैं आपके लिए न्यू ऑन करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपकी लर्निंग और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके ओके स्टूडेंट्स और लर्नर मैं चलती हूँ और कौन नई वीडियो बना लेंगे तब तक लेटा ढाबा बाय